नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसी परेशानी को लेकर जो दिन प्रतिदिन इंडिया के अंदर और बाहर तो पहले से ही थी, पहुंच अपनी बनाती जा रही है और किसी को उसका हल नज़र नहीं आ रहा है। लोग मेडिसिन्स पे जाते हैं और दवाई खा खा के बेवकूफ़ बनते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोटापे की। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो आम तौर पर बीमारी नहीं है, परंतु वो बीमारियों का गेटवे है। वो दूसरी बीमारियों को अपने साथ में अंदर बॉडी के अंदर हमारे ले आती है, जैसे कि मोटापा होने की वजह से डायबिटीज़ हो जाता है, उससे हार्ट डिसीज़ का खतरा हो जाता है, स्ट्रोक्स का खतरा हो जाता है। हालांकि कोविड 19 में घर पर रहकर सब लोग अच्छा अच्छा खाना खाकर थोड़े से तंदुरुस्त हुए हैं और वो अब जब खुल गया है माहौल तो वो कोशिश कर रहे हैं वेट को कम करने के लिए, भागा दौड़ी उन्होंने स्टार्ट कर दी है और वो चाहते हैं कि किसी मेडिसिन से, किसी सप्लीमेंट की मदद से वो अपना वेट लॉस कर सकें। परंतु दोस्तों, ऐसा सत्य नहीं है। मैं आपको आज विशेष जानकारी दे रहा हूँ कि वेट कैसे कम किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि वेट गेन होता क्यों है। दोस्तों, एक्चुअली एडल्ट लोगों का जो कैलोरी का इंटेक होता है बॉडी में, वो होता है 2000 कैलोरी पर डे। परंतु इतना ही हमें खर्च भी करना होता है, उसके लिए माइल्ड एक्सरसाइज वगैरह की ज़रूरत होती है। पर आजकल के दौर में जबकि फास्ट फूड इतना चलन में है, नाश्ता लोग करते नहीं हैं, भागा दौड़ी में रहते हैं और लंच भी हल्का करते हैं, साथ में नाइट की डाइट पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ऐसे कंडीशन में मोटापा बढ़ना स्वाभाविक है। क्योंकि आप 4000 कैलोरी ले रहे हैं और मुश्किल से 1000 कैलोरी फूंक रहे हैं। साथ में जिनका बैठने का काम ज़्यादा है, जो अपने ऑफिस में ज़्यादा रहते हैं, जिनके पास ज़्यादा समय नहीं रहता, उनके साथ भी यही समस्या रहती है कि कैलोरीज का इंटेक तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके बर्न करने का कुछ खास ज़्यादा नहीं है। दूसरा कारण होता है फास्ट फूड। बच्चों को स्टार्टिंग से ही फास्ट फूड की आदत ना डालें, उन्हें उससे दूर रखें तो आप इस समस्या से अपने बच्चों को बचा पाएंगे। तीसरा चीज़ है मेटाबॉलिज्म का कम काम करना, यानी आपकी बॉडी अच्छा मेटाबोलाइज नहीं कर रही है चीज़ों को, उस वजह से जितने भी कैलोरीज हैं वो स्टोर हो जा रही हैं आपकी बॉडी में और फैट का रूप ले लेती हैं। तीसरा कारण है थायरॉयड। थायरॉयड की वजह से मोटापा हो जाता है, ये एक मेडिकल कंडीशन है, तो इसके लिए थायरॉयड की मेडिसिन जब आप लेते हैं तो धीरे धीरे सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है। तो आज हम विशेष तौर पर बात करेंगे उन तीन चीज़ों की जो कि आपके स्वयं के हाथ में है और उसके लिए किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपनी डाइट मेंटेन करनी है, आपको डाइट फॉलो करनी है। डाइट फॉलो करने के लिए आप जैसे सुबह 7 बजे उठते हैं तो कम से कम 20 से 25 मिनट का वर्कआउट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिम जाइए, भारी भारी सामान उठाइए तभी वो एक्सरसाइज कहलाती है, नहीं, आपको कार्डियो करनी है, यानी कि या तो आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी है, योगा करना है, साथ में स्ट्रेचिंग करनी है, अगर हो सके तो 15 मिनट तेज वॉकिंग करके आनी है। इसके बाद आप जब सब कुछ करके वापस आएँ तो रात को भीगे हुए चने रख दें और सुबह उन्हें उबाल कर उनको खाएं। अगर आप स्प्राउट्स में चने इतने पसंद नहीं करते तो छोले भिगो के उबाल के उन्हें खा सकते हैं, साथ में आप राजमा खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, आप ये वाली चीज़ अपने नाश्ते में ज़रूर करें। उसके बाद 12 बजे के लगभग आपको आधा एप्पल से एक एप्पल तक ज़रूर अपने डाइट में लेना चाहिए। फ्रूट्स हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी डेफिशिएंसीज हो गई हैं उन सब डेफिशिएंसीज को पूरी करने के लिए। साथ में जब लंच का टाइम आता है तो उस टाइम पे आपको केवल 2 रोटी और 1 कटोरी पूरी सब्जी विद लॉट्स ऑफ सैलेड्स, बहुत सारी सलाद के साथ आपको लेनी है। उसके बाद दोपहर को के बाद आप 3-4 बजे के लगभग 1 कप ग्रीन टी ले सकते हैं, बहुत अच्छी रहती है ग्रीन टी लेना। उसके बाद शाम को जब 6 बज जाएँ 7 बज जाएँ उस टाइम आपको अपना डिनर कर लेना चाहिए। डिनर में आपको केवल 1 चपाती और 1 कटोरी सब्जी लेनी चाहिए, उसमें आपको सैलड वगैरह नहीं लेना चाहिए। रात को सोते समय आपको गुनगुना दूध या गर्म दूध पीकर सोना चाहिए। ये तो है एक डाइट मेंटेन का। दूसरा, अगर डाइट फॉलो करने के साथ साथ में आपको थोड़ी सी और अपना मेटाबॉलिज्म तेज़ करना है तो मॉर्निंग में आप 1 कप ब्लैक कॉफ़ी अवश्य पिएँ। अगर आपका बीपी हाई रहता है तो उसे अवॉइड करें, परंतु अगर आपको कोई ऐसा डिसीज़ नहीं है, सिर्फ आपको मोटापा है, तो सुबह 1 कप ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर पिएं।
वो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज कर देता है, आपके मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा बढ़ा देता है, एनर्जी क्रिएट करने के साथ साथ में जितनी भी कैलोरी आ रही है उन्हें बर्न करने का वो काम करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ों से डाइट फॉलो करके और एक्सरसाइज के द्वारा हम अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं। रही बात मेडिसिन की, तो दोस्तों मार्केट में जितनी भी मेडिसिन उपलब्ध हैं, चाहे वो आयुर्वेद में हो चाहे वो एलोपैथिक में हो, ये सब साइड इफ़ेक्ट देती हैं, साथ ही साथ टेम्परेरी रूप में आपका वजन कम करती हैं, परमानेंट रूप से आपका वेट कम नहीं करती। और साथ में अगर आप इनका सेवन करते हैं तो भी आपको डाइट फॉलो करनी पड़ती है और एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। तो खामखा बिना किसी मतलब के आप मेडिसिन पे क्यों जाएं, मेडिसिन से जितना दूर रह सकें उतना बढ़िया है। आप कोशिश कीजिए कि अपनी ही विल पावर से आप अपना वेट कम कीजिए। आप जो है वेट कम करने के लिए, जैसे आज आप सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो आज अपनी वेस्ट नापकर एक किसी पेपर पर रख लीजिए। एक महीने आप जब ये डाइट फॉलो करेंगे, साथ में जो मैंने आपसे बताया कि ग्रीन टी पिए और साथ में एक कप ब्लैक कॉफ़ी मॉर्निंग में लें, तो आप एक महीने बाद सब कुछ एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद फिर से अपना वेस्ट लीजिए, आपको ज़रूर थोड़ा सा अंतर महसूस होगा। ये कोई रात भर का चमत्कार नहीं है, ना वेट का बढ़ना ना वेट का कम होना। बहुत से लोग बैठे हुए हैं मार्केट में जो कि अपनी मेडिसिन बेचने के लिए उल्टे सीधे दावे करते रहते हैं, जबकि ये सब बिल्कुल सत्य नहीं है। आपको अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से ही आपका वेट कम हो सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस विषय में कुछ और मुझसे जानकारी चाहिए हो, कुछ और हेल्प मैं आपकी कर सकता हूँ, तो नीचे कमेंट करिए, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया एक लाइक देके अवश्य जाइएगा। साथ में मेरा ये चैनल हिंदी मेडिसिन रिव्यूज़, आप इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगा घंटे का बटन दबाकर छोड़ दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना खास ख्याल रखिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों।